तो कैसे हो दोस्तों, आ चुके हैं कमाल की न्यू नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बूम बाम वापिस। यार वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोल देना चाहता हूँ यार, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ महीनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट क्या करूँ यार, कुछ काम पर बिजी हो गया था। एनिमल भैया, एनिमल भैया। हाँ बोलो भाई, बोलो। ऐसा क्या काम था जो आप हमारे लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सकते थे, क्या आप हमें बता सकते हो? क्यों नहीं यार, दरअसल दोस्तों मैं 10th और 12th वालों का भी जो पेपर चल रहा था बस इसी काम पर बिजी था। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आज से और अभी से ऐसे ही बूम बाम वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना आप और मेरा टाइम खराब किए शुरू करते हैं आज का कमाल का इंटरेस्टिंग वीडियो। इस धरती पर पाए जाने वाले जीव भी अपने बच्चे के लिए अपने मन में उतना ही प्रेम रखते हैं जितना कि हम इंसान। लेकिन दोस्तों एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो अपने बच्चों को ही मारने के लिए उतार हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवर के बारे में बात करेंगे जो अपने संतान के लिए दुश्मन साबित होते हैं। नंबर 1, पांडा। दोस्तों पांडा एक खूबसूरत जानवर है जो आज के जमाने में पांडा की लगभग सभी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर खड़ी है, जिसका एक बड़ा कारण है पांडा माता पिता अपने बच्चों को सही देखभाल न कर पाना। दरअसल पांडा माँ के मन में अपने बच्चे के प्रति बेहद कम लगाव देखा गया है। जन्म के समय पांडा बच्चों का वजन मात्र 80 से 150 ग्राम होता है और बच्चे पूरी तरह अंधे और असहाय होते हैं, इसीलिए इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी मादा पांडा की दो बच्चे पैदा होती है तो उन दोनों में से किसी एक का चुनाव करती है, उसे ही दूध पिलाती है और उसकी ही देखभाल करती है, और दूसरे बच्चे को पांडा माँ मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन जिस बच्चे को पांडा माँ चुनती है उस बच्चे के प्रति भी पांडा माँ का व्यवहार बहुत रूखा होता है। अगर बच्चा खेलते हुए माँ से दूर हो जाता है तो माँ उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाती है, जिस कारण ज्यादातर मौके पर उस बच्चा भी मारा जाता है। नंबर 2, कुकू यानी कोयल। दोस्तों भले ही कोयल की आवाज कितनी भी मीठी हो लेकिन अपने शरीर की तरह भी इसका दिल काला होता है। एक कोयल को अपने बच्चे के लिए रत्ती भर भी लगाव नहीं होता, इतनी लापरवाह होती है कि कभी अपने बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी तक नहीं उठाती। एक गर्भवती कोयल का जब अंडा देने का समय आता है तो ये किसी अन्य पक्षियों के घोंसले को तराशती है, और जैसे ही उस घोंसले के पक्षी उड़कर कहीं और चले जाते हैं तो ये कोयल तुरंत उस घोंसले में बैठकर अंडा देकर कहीं और भाग जाती है। जाने अनजाने में ही कोई दूसरे पक्षी कोयल के अंडे को सेते हैं और उन अंडों से निकलने वाले बच्चों को पालते हैं। नंबर 3, सारस। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह सारस नाम का ये पक्षी अपने बच्चों को घोंसले से बाहर फेंक रहा है। जिस बच्चे ने अभी उड़ना तक नहीं सीखा वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद निश्चित तौर पर मारा जाएगा। ये वीडियो देखकर ऐसा एहसास होता है कि सारस से अच्छी माँ तो कोयल ही थी। कोयल भले ही अपने बच्चों को अनाथ छोड़ देती है लेकिन कम से कम अपने बच्चे को तो जान से नहीं मारती। सारस का अपने बच्चे को मार डालने का कारण पूरी तरह समझ नहीं आता। कई बार सारस माता पिता को लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए खाना नहीं जुटा पा रहे हैं तो वो अपने सबसे कमजोर बच्चों को मार डालता है ताकि बाकी बच्चों को भरपूर खाना मिल सके। वहीं कई बार किसी बच्चे के बीमार होने पर सारस माता पिता को लगता है कि अब ये बच्चा स्वस्थ नहीं होने वाला तो ये उस बच्चे को घोंसले से उठाकर फेंक देते हैं। नंबर 4, रैबी। खरगोश एक बहुत ही प्यारा जानवर है जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट लगता है, लेकिन यही मासूम सा दिखने वाला खरगोश अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उन्हें मारकर खा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हालात आ जाता है कि खरगोश को अपने ही बच्चे को खाना पड़ता है? दरअसल दोस्तों जब मादा खरगोश को बहुत ज्यादा भूख लगती है और उनके आसपास हरी घास और भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तो ऐसे हालात में वो अपने नए जन्म बच्चे को ही अपना भोजन बना लेता है, और नर खरगोश भी मादा खरगोश के साथ दोबारा मीटिंग करने के लिए अपने बच्चों को खा जाता है। और ये बात आपको शायद सुनने में अजीब लगे कि मादा खरगोश दूसरे शिकारी जानवरों से अपने बच्चे को बचाने के लिए खा जाता है। नंबर 5, टाइगर। टाइगर जंगल का एक खतरनाक चालाक शिकारी है, लेकिन फीमेल टाइगर के सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे कि वे अपने बच्चों को खा जाती है। दरअसल एक फीमेल टाइगर एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है और इन बच्चों के खाने पीने और सेफ्टी रखने की जिम्मेदारी फीमेल टाइगर की होती है, क्योंकि मेल टाइगर अपने बच्चों को देखने तक नहीं आता। फीमेल टाइगर अपने बच्चों को मारने के मेनली 2 कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि अगर कोई बच्चा अनहेल्दी और बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल पैदा होता है तो फीमेल टाइगर ये बात बखूबी जानता है कि वो जंगल में कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये सोचकर कि इससे पहले कोई शिकारी जानवर अपना निवाला बना ले वो उसको खुद ही मार डालती है और अपना ध्यान बाकी हेल्दी बच्चों पर देती है। और दूसरी वजह यह है कि जब जंगल में फीमेल टाइगर को बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलता तो वो सर्वाइव करने के लिए अपने खुद के ही बच्चों को खा जाती है ताकि वो जंगल में लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऐसे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ऑन करना न भूले। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।